हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजीव मोहम्मद सोलन। आप सभी कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताएं, और आपका एक कमेंट मुझे बहुत हौसला पहुंचाता है। और फ्रेंड्स, आज मंडे है तो राजीव स्कूल चला गया था, तो मैंने मतलब उसको खाना खुना बना कर दे दिया था। तो अब मैं उससे बाद रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि मेरे जब काम कर रही थी किचन में तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बैक पेन हो रहा था, तो मैं रेस्ट कर रही थी। फिर मैं 11 बजे उठी हूँ और काफ़ी देर से ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, पर नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, मेरे को सांस फूल रही है। पता नहीं क्यों मेरी सांस फूलती है बात करते बार अब, और जैसे भी थोड़ा सा बोलूँगी तो बात करते बार मेरा सांस फूलता है। तो मैं अब बात कर रही हूँ आपके साथ, उस घर का सारा काम करने को है, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा ऐसे डिप्रेशन में चली गई थी, जब से मुझे पता चला था कि मेरे पित्त में पथरी है। तो डिप्रेशन में इसलिए चली गई थी कि मेरे लिए तो ये बड़ी बीमारी है। वैसे तो सबके लिए नॉर्मल हो चुकी है, सर्जरी करवा के अपना पित्त निकाल के अपने सर्जरी को थोड़ा दिन रेस्ट करके अपने अब डेली के काम को रूटीन कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने यही बताया है कि पर ये है कि फिर भी हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचती है, कोई भी देखभाल करने के लिए होना चाहिए और पैसे भी होना चाहिए अपने पास। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और अपनी सर्जरी करा सकूं। और गाइज, बात यह है कि अभी घर का काम कर लेती हूँ और कोई किसी का नहीं होता। मैंने किसी को बोला था अपने रिलेटिव को कि मेरे पास आ जाना जब मेरा ऑपरेशन होएगा, तो उसने भी मना कर दिया है कि हम नहीं आ सकते, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं इंग्लिश स्कूल में, तो बहू नहीं आ सकती, उसने पढ़ाना लिखाना होता है अपने बच्चे को। तो गाइज, मैं ये बोलती हूँ कोई किसी का नहीं होता आज की डेट में, चाहे कितने सगे क्यों ना होए, कोई किसी का नहीं होता है। बस ये बोलते हैं कि अपनी नींव को मजबूत बनाओ। बस इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जनवरी फरवरी में ही मैं अपना ऑपरेशन कराऊँगी, क्योंकि जनवरी फरवरी में मेरे बच्चे का मतलब वो मेरे बच्चे के स्कूल की छुट्टियाँ होगी, तब मैं ऑपरेशन कराऊँगी और ऑफ होएगा उसका। और ये है कि मैं उस टाइम तक के लिए देसी दवाइयाँ शुरू करती हूँ। और बोलते हैं कि बीमारी ज़्यादा लंबी नहीं पड़नी चाहिए, पर कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत बहुत मजबूरी है मेरी। और गाइज, से लोग बोलते हैं थोड़ी सी बात होती है अपने लेके टेल मतलब कंटेंट बना लेती है और वीडियो डाल देती है, पर ऐसा नहीं है। मेरी जो रियल लाइफ है वही बना रही हूँ और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे एक बात आप सभी से ज़रूरी करनी थी, आप सभी से नहीं मतलब लोकल है जो यहीं पे ही मेरे आसपास में है, बार बार मुझे फ़ोन करते हैं। आज मैंने ये वाली गेम तू ज्वाइन कर ले, इसमें तेरे को वो फ़ायदा होएगा, ये इतने घंटे की लाइव का वाला लाइव करके इतने पैसे मिलेंगे, एक हफ्ते के इतने पैसे मिलेंगे। और कोई बोलता है वहाँ मीटिंग होएगी, वहाँ को आ जाइए, ये इतने ये बिजनेस है, ये दवाइयाँ है, तेरे को डायबिटीज़ भी है, उसमें दवाइयाँ लेना शुरू कर दियो, अपने किचन की कोलगेट लेना शुरू कर दियो, अपने किचन का सामान लेना शुरू कर दियो। मेरी लाइफ है, मैं अपने अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं अपने लिए पत्नी घर बनाती, अपने लिए कुछ और कुछ करती, पर जब मेरे पास कुछ नहीं है तो बाबा मैं जो नहीं कोई बिजनेस करना ना कोई मेरे कोई गेम खेलना। तो मैं आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोला करे। कोई बोलता है कि 16,000 रुपये लगाना, इसमें दवाइयाँ मिलेगी, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, तो जब हमारे को खुद से पहले उसमें लगाना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा उसमें। अब मेरे पास काम ये सिलाई का भी है, हर एक और काम है, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ अब, तो और काम तो क्या करना मैंने, क्योंकि मेरे को इतने अंदर उतनी कमज़ोरी उतनी आ चुकी है, जितना क्या बोलूँ, मैं डिप्रेशन में इतनी जा चुकी हूँ कि सोचती रहती हूँ कैसे मैं अपना मतलब सब कुछ हो जाता है अगर हेल्थ ठीक हो, जब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है आजकल, तो मैं कैसे अपना और काम करूँ। मैंने ना बाबा किसी की मीटिंग में जाना, ना मैंने किसी के घर में जाना, और ना मैंने कोई वो बिजनेस करना, ना कोई ये वाला बिजनेस करना, ये गेम है, ये फलाना ढमकाना, बस मुझे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। यहीं कहीं रास्ते में मिले या ऐसे किसी को याद नहीं आती, सालों सालों दो दो तीन तीन चार सालों बाद भी अब मुझे फ़ोन आ रहे, यार एक काम था तेरे साथ, एक गेम वाला वो था, एक ऑनलाइन काम था, ये बिजनेस था, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेबी प्लीज़ ये फालतू की बातें मेरे को न बताया करो, सच में मैंने मैंने करके छोड़ दिए, मैंने पैसा भी बहुत बर्बाद किया इस इन चीज़ों में,
और बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ की है, ये बोतल इतनी आती है, ये इतनी की आती है, वो उससे आपका शुगर खत्म हो जाएगा, आपको ये होएगा, भी होती होगी बाबा, पर मैंने नहीं लेना, मैंने बस, मेरे को हॉस्पिटल है सरकारी और जो भी है प्राइवेट भी है मेरे पास, सब कुछ है, मैं अपना वहाँ से इलाज करा लूँगी, मुझे अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, मैंने ये ऐसे फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ती मैं। और जो रही है मेरी दवाइयाँ में, वो भी मैं दवाइयाँ अभी मैं अपने डॉक्टर की सलाह से लूँगी जो भी है। और गाइज मैं थक चुकी हूँ, बोला नहीं जाता सच में, मेरे से बात नहीं होती, यहाँ यहाँ दर्द होती है, आप सभी कुछ मुझे बताना कि मुझे कि मेरे से बोला क्यों नहीं जाता। अपने मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, बड़े मुश्किल से बनाती हूँ, प्लीज़ वहाँ भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और बहुत लंबी वीडियो बन गई है सच में, बात करते करते ही इतनी लंबी वीडियो बन गई है, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी, चपाती बनाने के लिए आटा गूंद के तैयार कर रही थी, और मैं ऐसे ही ब्रेड बना रही थी। फिर मैंने अपने कमरे की साफ़ सफाई की, और कभी मुझे ठंड लग जाती है, कभी गर्मी लग जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रजाई भी रखी हुई थी, तो कभी जब ठंड लगती है तो मैं रजाई भी ओढ़ लेती हूँ। और फिर मैं इसकी सफाई कर रही थी, बड़े मुश्किल से काम करती हूँ, जैसे भी मेरी तबीयत ठीक होती है, और पेट में मेरे बहुत दर्द होती है, बक्खी में साइड को बहुत दर्द होती है, तो मैं जैसे मुझे बीच बीच में कभी आराम मिल जाता है तो मैं काम करने लग जाती हूँ, और वो काम करने का तो बहुत मन करता है भी ये काम करूं, पर बस ये मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बहुत कमजोरी आ चुकी है मेरे अंदर, और सुबह सुबह मुझे बहुत दिक्कत होती है, उठने को मन नहीं होता, फिर बच्चे की जाने की तैयारी भी करनी पड़ती है स्कूल की, और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गाइज आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब मेरे चैनल राजीव मोहम्मद सोलन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, वीडियो में ऐसे ही बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। तो मैंने कमरे की ऐसी साफ़ सफाई कर ली थी गाइज, देख लीजिए, और थैंक यू सो मच आपका सभी का।